पूरा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मना रहा है, लेकिन देश का भविष्य जिनके हाथों में है, क्या उनको पता है कि महात्मा गांधी कौन थे? इसलिए R9 टीवी की टीम कुशीनगर जिले के सुकरौली विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय डुमरी पहुंची। वहां पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से गांधी जी के बारे में कुछ आसान सवाल पूछे गए। जहां ज्यादातर बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो वहीं कुछ ने जवाब सही नहीं दिए। इसके साथ ही जब उनकी शिक्षिका से पूछा गया कि महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो उन्होंने भी जवाब सही से नहीं दिया। अच्छा चांदी जी, की बताइए, गांधी जी को जानती हैं? यस। अच्छा, गांधी जी की जयंती क्यों मनाई जाती है? उनका 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था और वो हमारे देश का आजाद किए थे। वेरी गुड। गांधी जी की माता जी का नाम पता है आपको? गांधी जी की माता जी कौन थी? श्रीमती पुत्री बाई। वेरी गुड, वेरी गुड। और गांधी जी के पिताजी के बारे में पता, कौन थे गांधी जी के पिताजी? चलिए, गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने जो भी योगदान दिया देश की आज़ादी के लिए या अपने देश के लिए, इसलिए हम उनका गांधी जयंती के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनके द्वारा किए गए जो योगदान थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसी कुरौली विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय पे, जहाँ की एक शिक्षिका को अभी जो है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है लखनऊ में जो है सम्मानित किया गया है। और यहाँ हमने आज जो है बच्चों से जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे कुछ सवाल जो है किया, जिसका कुछ बच्चों ने ठीक ठाक उत्तर दिया, तो वहीं कुछ बच्चे जो है वो कन्फ्यूज थे। साथ ही साथ हमने जब जो है उन सवालों को यहाँ मौजूद शिक्षिकाओं से किया, तो शिक्षिकाओं को भी जो है वो कन्फ्यूज थी, उनको भी सही उत्तर जो है नहीं पता था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को गांधी जी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, तो भला वो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, ये सोचने वाली बात है। R9 TV कुशीनगर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी।